सिंगरौली में पुलिस ने चिटफंड कंपनी सर्वमंगल के 3 संचालकों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी पर पैसा दोगुना करने का लालच देकर जनता के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने इन पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। इस मामले में पहले भी 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज मामलों को लेकर सर्वमंगल चिटफंड कंपनी के 3 डायरेक्टरों सहित संतोष साहू, लक्ष्मी मानिकपुरी, शांतिदास मानिकपुरी, मैनेजर मनोहर लाल चौहान और संजीव गुप्ता सहित 5 आरोपियों को कोरबा से गिरफ्तार किया है, जिनमें कंपनी में कार्य करने वाली एक महिला भी है। इन सभी के खिलाफ सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना व माणा थाने में धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ था। कंपनी के 10 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। इस कंपनी ने धन दोगुना करने का लालच देकर चिटफंड कंपनी में करोड़ों रुपए जमा कराया था। मैच्योरिटी पूरा होने से पहले ही 2010 में सर्वमंगला चिटफंड कंपनी ने अपना कार्यकाल बंद कर दिया और पैसा लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। कांग्रेस पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम लल्लू शाह ने ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सर्वमंगला कंपनी वर्ष 2010 में बैठन सिंगरौली में अपना कार्यालय खोली थी। एक चिट फंड कंपनी थी जो कि प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर जो ग्राहक थे उनको दुगुना और तिगुना रकम वापसी का भरोसा दिला करके और उनसे निवेश करा रही थी। और इस प्रकार से काफ़ी संख्या में लोगों से यहाँ पर सिंगरौली जिले के निवासियों से इनके द्वारा सर्वमंगला कंपनी में निवेश कराया गया था। और कंपनी 2010 से 2015 तक सिंगरौली जिले में संचालित रही और अचानक से कंपनी का ऑफिस बंद करके इसके जो डायरेक्टर थे और कंपनी में काम करने वाले लोग थे वो भाग गए। 2015 में थाना बैढ़न में कंपनी के डायरेक्टर्स और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 656/2015 धारा 420/67/467/468/471 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और तस समय कंपनी के करीबन 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। कंपनी के 3 डायरेक्टर और 2 ब्रांच मैनेजर ये तस समय से फरार थे और जिनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही थी और इन व्यक्तियों के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी सिंगरौली पुलिस ने घोषित किया था। देखिए इस तरह की जो कंपनियां हमारे सिंगरौली जिले में कई वर्षों से लगातार इनका कारोबार करता फिरता चला रहा है और इसमें इनके एजेंट गांव में जाते हैं और गांव में ऐसी भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं, जिन्हें लालच देते हैं कि आपका दोगुना धन हम कर देंगे 4 साल के अंदर में। ऐसी परिस्थिति में गांव की जनता भोली भाली जो है गरीब तबके के लोग मजदूर हैं, किसान हैं, जो अपना इनको खेती पाती और मजदूरी करने के अलावा समय नहीं मिलता बैंकों में ट्रांजेक्शन करने का, वही लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।